एक आलू को आपने मैक्सिमम कितना महंगा खाया होगा? 250 रुपए का मैंने खाया है। पोटैटो स्पाइरल के रूप में रहता है, वो यही आलू है, बस उसको किसी मशीन में घुमा घुमा के ना वो महंगा कर दिया जाता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। तो वही मशीन मैंने मंगवा ली है, पोटैटो स्लाइसर, पोटैटो स्पाइरल की, जो कि मुझे पड़ी है सिर्फ 1000 रुपीज की, और इसमें मैं ऐसे कम से कम नहीं तो 250-300 स्पाइरल बना सकती हूँ। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। पहला अटेम्प्ट मेरा हो चुका है फेल, क्योंकि मैंने बहुत बड़े वाला आलू ले लिया था और उसके हमने पकौड़े बना के उसको खा लिया। क्या बोला तूने? पकौड़े बना के उसको खा लिया। दीवार दीदी, व्हाट इज दिस दीदी? दीदी अब मेरे को समझ आ गया कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली। मार्केट में जाते हैं आपको बड़े बड़े पोटैटो स्पाइरल मिलते हैं, लेकिन हमें अगर हम घर में बना रहे हैं तो हमें छोटे वाले बेबी पोटैटोज लेने हैं। उससे क्या होगा, आसानी से बनेगा, बहुत ही टेस्टी ये रहने वाला है। तो चलते हैं, मैंने ना स्पॉटेड स्टिक्स मार्केट से लेकर आ गई थी। हमें इसके अंदर इसको ऐसे डालना है बीच में ढंग से और इस मशीन में लगा देना है। आप देख सकते हो कि स्टेनलेस स्टील की है तो क्वालिटी तो बढ़िया है ही है। इसमें आपको एक बटन मिला हुआ है, इसको प्रेस करोगे तो आगे हो जाएगा, इसको प्रेस करके करोगे तो पीछे हो जाएगा। तो अभी हमें इस चिक को यहाँ पे सेट करना है आलू के अंदर, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है और हमारी हो गई है। अब बटन उठाया, इसको आगे ले गए, अब आपको बस राउंड एंड राउंड गोल घुमाना है मस्त तरीके से। यार बहुत ही बारीक बारीक स्लाइस हुए, कुछ नहीं कर रहा, आराम से इसको खोलना ही है। मैंने बड़े वाला ट्राई किया था, वो संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि स्टिक भी पतली है। तो फिर हम लोगों ने छोटे बेबी पोटैटोस का बनाने की कोशिश की। घर में हाउस पार्टी हो रही है, कुछ अलग मेन्यू में रखना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड गैजेट। वैसे तो आपको इसका ना ऑल्टरनेटिव और भी सस्ता वाला मिल जाएगा, प्लास्टिक के भी आते हैं, बट मैंने कहा कि यार ये चीज़ हमारे मतलब बहुत घर में सबको पसंद है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो या बूढ़े हो, तो एक बार ही मंगवा लिया जाए। बैटर मैंने पहले से तैयार कर रखा है, ये देखो कुछ इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके अंदर मैंने डाला है कॉर्न स्टार्च 2 चम्मच, 1 कटोरी मैंने इसमें मक्के का आटा डाला है और थोड़ा सा डाला है इसमें 3-4 चम्मच मैदा, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हल्दी। अभी इसको अच्छे से हम इसको कोट करेंगे और ये देखो इस तरीके से ये हो जाएगा रेडी। मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही गर्म करके रखा हुआ है और कुछ नहीं करना, इसको उठाना है और आराम से इसके अंदर इसको डाल देना है। पहले वाला बहुत ही ज्यादा मस्त बना था। और एक चीज, जब तक ये तल रहा है तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एग्जाम्स आ रहे हैं, मार्च का महीना है, 12th के बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो जाके पढ़ लो। जिसके भी एग्जाम्स हैं प्लीज़ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा भी अभी के लिए डिलीट कर दो, नहीं तो आपको यही बेचने पड़ जाएंगे। बात मानो, अभी बाद में करेंगे एंटरटेनमेंट। जिनके भी एग्जाम है ऑल द वेरी बेस्ट। आप ये देख सकते हो कितने मस्त लग रहे हैं, है ना? मतलब ठीक है 200-250 का नहीं, लेकिन 100 रुपीज का तो मैं इसे बेच ही सकती हूँ, क्या कहते हैं? अगर लगता है हाँ तो मुझे चार्ज भी भेज सकते हैं आप लोग। और यस, मज़ा आया मुझे ये ट्राई करने में। आप देखो कितना, बस ध्यान रखना कि तेल गर्मा गर्म हो, और इसको बनाने में मेरे को स्पाइरल करने में जो मज़ा आया है ना, ओह हो हो हो, मैंने इसके लिए ना बहुत सारे, वैसे मार्केट में जाओगे तो आपको फ्लेवर्स मिल जाएंगे, मैंने ना सीजर सैलड और चाट मसाला इसका कॉम्बिनेशन रेडी करके रखा हुआ है। तो ये देखो हमारा पोटैटो स्पाइरल हो गया है रेडी। ये तो सच्चाई है जो आपने देखी है कैमरा के सामने, ये आपके सामने बना है। पहले वाला दिखाती हूँ जो पहले बनाया था उसके साथ क्या हाल हुआ था। ये क्या है? बीच में से टूट गया था बिल्कुल भी, कढ़ाई भी छोटी थी और इतना बड़ा सब कुछ था नहीं, तो उसके पकौड़े बनाने पड़े और ये वाला हमारा हो गया था रेडी जो मैंने छोटे वाले आलू से बनाया। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी अगर घर में बनाओ तो छोटे वाले आलू लेना, कहीं हवाबाजी में ले लो बड़ा सा आलू। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला, ये देखो थोड़ा टिक 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 टिक। और आप चाहो तो कोई भी आपकी फेवरेट सॉस इसके साथ लगा सकते हो,
बाकी गैजेट कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? और क्या देखना चाहते हो वो भी बताना। एक मेरा और एक ऋषभ का हो गया है ये रेडी। लग रहे हैं ना बढ़िया प्रोफेशनल। हमने तो बचा लिया अपने 200 रुपए। मुझे ये गैजेट बढ़िया लगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपको ये पसंद है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बना सकते हो, जिंदगी भर यूज चलेगा। बढ़िया क्वालिटी है, बाहर से क्रिस्पी, अच्छे से पका हुआ, मैं बता रही हूँ, मजा आ गया। डू लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आई है तो शेयर कर दो, और अगर नए हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कौन सा गैजेट देखना चाहते हो, क्या आप मतलब अपनी किचन में किस चीज से परेशान हो, मुझे यहाँ पे जरूर बताओ, सो दैट कि हम उसको उपाय लेकर आए और आप लोगों के लिए कुछ नया सा दिखाएं। तब तक मैं जाती हूँ अपने पति को खिलाने, और आप लोगों को मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।